हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छबी सर। तो दोस्तों, आज हम क्लास ट्वेल्थ की ग्रामर से सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं और सिंथेसिस में हम आज पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले आपको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा चुका हूँ। जिस किसी ने प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला वीडियो न देखा हो तो वह ग्रामर नाम से प्लेलिस्ट जो बनाई है उसमें जाकर उस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंथेसिस में पास्ट पार्टिसिपल। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। यदि प्रथम वाक्य में, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि प्रथम वाक्य में नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य की क्रिया बताए तो उस क्रिया को थर्ड फॉर्म के रूप में उस नाउन के पहले लगा देते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, यदि प्रथम वाक्य में नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य की क्रिया बतलाए तो उस क्रिया को थर्ड फॉर्म के रूप में नाउन के पहले लगा देते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल नंबर वन, आई फाउंड माय पेन। मैंने अपना पेन पाया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको डेफिनेशन याद है कि प्रथम वाक्य में नाउन की विशेषता, और प्रथम वाक्य में नाउन क्या है, पेन, इसकी विशेषता दूसरे वाक्य की क्रिया अगर बतलाए तो पेन की विशेषता क्या है कि पेन खो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। तो इस क्रिया को इस नाउन के पहले लगा देते हैं। लेट्स सी द आंसर, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, यानी नाउन के पहले आप क्रिया को थर्ड फॉर्म के रूप में लगा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आई रीज्ड अ पेन। मैंने पेन पाया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो पहले वाक्य में जो नाउन है वो है पेन, और पेन की विशेषता क्या है कि वो खो रहा था, यानी खो गया था। तो इस लॉस्ट को इस पेन के पहले थर्ड फॉर्म के रूप में आप रख देंगे, आई रीज्ड अ लॉस्ट पेन। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, आई प्लग्ड अ रोज। मैंने एक रोज यानी गुलाब तोड़ा। इट वॉज फेडेड, ये मुरझा गया था। तो पहले वाक्य में जो नाउन है वो रोज है, और रोज की विशेषता क्या है कि रोज मुरझाया हुआ है। तो इस क्रिया को इस नाउन के पहले हम थर्ड फॉर्म के रूप में लगा देंगे तो आपका जो आंसर बनेगा, आई प्लग्ड अ फेडेड रोज। दोस्तों, अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, इसको समझते हैं। जब एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो, मतलब एक काम पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो, अर्थात जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है, तो उसे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर साधारण वाक्य बना देते हैं। लेट सी द एग्जाम्पल, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, यानी एक काम यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हुआ। सी वेंट टू द गार्डन, उसके बाद वो गार्डन चली गई, बगीचे में चली गई। तो दोस्तों, पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट सी है और दूसरे वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट सी है, यानी दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है। तो करेंगे क्या, पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा देंगे, और आपको पता है कि ये जो क्रिया है फिनिश्ड हर होमवर्क, ये काम को समाप्त होना दिखला रही है, इसलिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर साधारण वाक्य बना देते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, और कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस पूरा उतारते हैं, सी वेंट टू द गार्डन। यानी अपना काम समाप्त करके, कल आपको मैंने बताया था कि
परफेक्ट पार्टिसिपल में हिंदी में अर्थ निकालने पर कर या करके आता है और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आंसर जो निकल रहा है हिंदी में अर्थ जो निकल रहा है, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, अपने काम को समाप्त करके सी वेंट टू गार्डन, वो बगीचे में चली गई। आइए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड समझते हैं। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, यानी पहले वाले सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा है कि एक काम पूरी तरीके से समाप्त हुआ। उसके बाद आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया। तो देखिए दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, तो पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को अलग करके हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ते हैं तो जो आपका आंसर बनेगा हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी अपने काम को समाप्त करके आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। ही प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूलों को तोड़ा, यानी एक काम जो समाप्त हुआ फूलों को तोड़ने का वो पूरी तरीके से हुआ। इसके बाद ही वेंट इन द टेम्पल, वह टेम्पल यानी मंदिर चला गया। सब्जेक्ट दोनों में सेम है, ही है, तो पहले वाले सब्जेक्ट को अलग करके हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ देते हैं तो हैविंग प्लग्ड फ्लावर्स, यानी फूलों को तोड़कर या फूलों को तोड़ के ही वेंट इन द टेम्पल, वो टेम्पल में चला गया। दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल में ये नोट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी, आइए देखते हैं। यदि प्रथम वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रथम वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया हो तो उसे हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर साधारण वाक्य बना देते हैं। फिर से सुनिए, यदि प्रथम वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया हो तो उसे हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर साधारण वाक्य बना देते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस की एक पहचान मिली, बाई लगा हुआ है, यानी सेंटेंस आपका प्रथम वाक्य पैसिव वॉइस में। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, उसे सजा दी गई बाई हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा। ही फेल्ट सॉरी, उसने माफ़ी मांगी। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को अलग करके किससे जोड़ते हैं, हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर, और दूसरा सेंटेंस पूरा उतारते हैं ही फेल्ट सॉरी। तो दोस्तों ये था आपका पार्टिसिपल का टॉपिक जो आज पूरी तरीके से समाप्त हुआ। आपने कल प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा और आज पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को समझा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।